हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे एक फन एक्टिविटी जो आप प्लान कर सकते हैं पलोलम बीच पे। अगर आप गोवा आए हैं अपनी फैमिली के साथ इंक्लूडिंग लिटिल किड्स एंड योर पेरेंट्स, तो ये एक्टिविटी आप सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। So if you are at Palolam Beach, then you must go for a boat ride. अच्छी बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बोट ट्रिप एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। या तो आप कोई भी सिंगल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन टूर या फिर सनसेट क्रूज, या फिर आप बुक कर सकते हैं एन ऑल इंक्लूसिव ट्रिप जैसे कि हमने किया। तो अभी हम जा रहे हैं डॉल्फिन स्पॉट करने के लिए। वी आर गोइंग टू ट्राई आवर लक, नॉट श्योर कि हमें दिखेगी या नहीं, बट वी नेवर से नो, सो लेट्स गो। अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है डॉल्फिन स्पॉटिंग का, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हमने यहाँ अराउंड 15 टू 20 मिनट स्पेंड किए, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये एक्टिविटी अलग से प्लान करें और यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप सिंगल एक्टिविटी बुक करेंगे तो आपको आराम से यहाँ 1 आवर मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप ध्यान रखें कि ये एक्टिविटी मॉर्निंग में बिफोर 9 ही प्लान करें, क्योंकि उसके बाद सन बहुत हार्श हो जाएगा, सो यू मे नॉट एंजॉय मच। चलो चलते हैं बटरफ्लाई बीच पे। क्योंकि हमारा कंप्लीट ट्रिप 1.5 आवर्स का था, तो हमें बहुत कम टाइम मिला हर लोकेशन पे स्पेंड करने के लिए। तो हम लोग बटरफ्लाई बीच पे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है थोड़ा सा डीप है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम पानी में जाते ही वो हमारा शोल्डर लेवल तक वाटर आ जाएगा। सो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क एंड वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ वी आर गोइंग टू हनीमून बीच, विच इज़ नोन टू बी रियली ब्यूटिफुल, एंड वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। बीच इज रियली नाइस। हाँ जी, हनीमून बीच, सी यू गाइस देयर। तो जैसे ही हम हनीमून बीच पहुंचे, हमने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरी बोट्स जो वहाँ आ रही थी, उसमें से भी कोई यहाँ उतर नहीं रहा था, विच फेल्ट अ बिट वियर्ड। वी वर सो कन्फ्यूज्ड कि यहाँ रुकें या फिर वापस बटरफ्लाई बीच पे चले जाएं। बट आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ आवर ऑप्शंस, वी डिसाइडेड टू गेट डाउन हियर एंड एंजॉय आवर टाइम। तो हमने लिया भगवान का नाम और हनीमून बीच एक्सप्लोर करने निकल गए। बोट पे चढ़ना और उतरना एल्डर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, सो प्रिपेयर देम फॉर दैट बिफोर हैंड। दिस इज हनीमून बीच और इस वक्त इस बीच पे हमारे अलावा कोई नहीं है। यस, दिस इज़ वट वी लाइक, दिस इज़ वट वी लव। तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ ये हनीमून। मुझे लगता है हनीमून बीच पे हनीमून कपल्स आते होंगे फॉर फोटोग्राफ्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटिफुल।
बीच पे अराउंड 20-25 मिनट स्पेंड करने के बाद अब टाइम था वापस जाने का। और वापस जाते हुए हमने देखा ये फेमस टर्टल रॉक, विच इज क्वाइट अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ कूल इजंट इट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बोट राइड एक्टिविटी पैलोलम बीच पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।